वेल well, तो जी अगर आप लोग भी फैमिली इंटरटेनर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं आप लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं इन्जॉय करना पसंद करते हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मूवी देखना एक वन ऑफ द बेस्ट वे है और इसके साथ आप लोगों का इंटरटेनमेंट भी अच्छा होता है फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड होता है और अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर फैमिली के इमोशन भी हो हॉर एलिमेंट भी हो कॉमेडी भी हो तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए जिस मूवी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एक हॉरर कॉमेडी मूवी डि मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में साल 2024 में रिलीज़ होने वाली अपकमिंग मूवी डि मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जब मैं इसे रिलीज़ जब मैं इसके बारे में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब इसे रिलीज़ नहीं किया गया तो हाँ जब तक मैं इसे अपलोड करूँगा आई थिंक इसके अंदर जो है वो सभी चीज़ें आ चुकी होंगी और मूवी भी रिलीज़ हो चुकी होगी तो आप लोगों को डिटेल्स के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग इस मूवी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी और आप लोगों के जो रिव्यूज आए हैं अभी तक जितने भी रिव्यूज़ आए हैं क्रिटिक्स की तरफ से वो सारे के सारे बताए जाएंगे और आप लोगों को और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कुछ फैक्ट्स हैं कुछ स्टोरी लाइन है जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ इस मूवी के बारे में डी मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं डिमॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना अपना किरदार जो है वो निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है अगर मैं बात करूं कौन कौन से एक्टर्स हैं तो अरुल अरुलथी उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर अर्चना रविचंद्रन और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी मीनाक्षी देखने को मिल जाएंगे सरजना खालिद देखने को मिलेंगे आप लोगों को ऐसे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है अगर मैं बात करूँ कि क्या इस मूवी की आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी को अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई ना ही इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है हाँ इस मूवी को जल्द ही परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इसकी ना ही परसेंटेज स्टार्ट की गई है और ना ही इसे गूगल के यूजर्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है ना ही इसे गूगल जो है आई एम रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है लेकिन इस मूवी की अगर मैं बात करूं कि ये मूवी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी और किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को तमिल जुबान में देखने को मिलेगी पंद्रह अगस्त दो इस मूवी की रिलीज़ डेट है और इस रिलीज़ डेट के चलते आप लोगों को ये मूवी जो है वो थिएटर्स के अंदर तमिल ज़ुबान में देखने को मिलेगी हिंदी जुबान में नहीं देखने को मिलेगी ये मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट किया है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा गया है सारी की सारी डायरेक्शन को रखा है यहाँ पर आर अजय गरन मूथू ने जी हाँ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है जिन्होंने इस मूवी के अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है अगर मैं बात करूं कौन कौन सी मूवीज़ हैं तो डिमॉन्ट कॉलोनी वन भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड अभी टू भी वही डायरेक्ट कर रहे हैं उसी के साथ साथ माई का नोदिगल उन्होंने डायरेक्ट की है कोबरा जैसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से इन्होंने ये सारी मूवीज़ जो हैं वो डायरेक्ट की हैं अगर मैं बात करूँ टाइम ड्यूरेशन की और जेनर की कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी और इस मूवी का जेनर क्या होगा हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा यहाँ पर आप लोगों को एक्शन के साथ साथ ड्रामा भी देखने को मिलेगा रोमांस भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आपको आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये चांस आप लोगों का ये जो मूवी डिजर्व भी करती है और तकरीबन ढाई घंटे के राउंड मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप लोगों को हॉरर कॉमेडी एलिमेंट बहुत ही बखूबी देखने को मिलेगा बाकी ये मूवी तमिल ज़ुबान की है और इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर ही अभी लगाया गया वेल तो जी अगर आप लोग भी फैमिली इंटरटेनर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं आप लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं इन्जॉय करना पसंद करते हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मूवी देखना एक वन ऑफ़ द बेस्ट वे है और इसके साथ आप लोगों का इंटरटेनमेंट भी अच्छा होता है फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड होता है और अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर फैमिली के इमोशनज़ भी हो हॉरर एलिमेंट भी हो कॉमेड भी हो तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए जिस मूवी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एक हॉरर कॉमेडी मूवी डी मोंट कॉलोनी टू के बारे में साल 2024 में रिलीज़ होने वाली अपकमिंग मूवी डि मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जब मैं इसे रिलीज़ जब मैं इसके बारे में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब इसे रिलीज़ नहीं किया गया तो हाँ जब तक मैं इसे अपलोड करूँगा आई थिंक इसके अंदर जो है वो सभी चीज़ें आ चुकी होंगी और मूवी भी रिलीज़ हो चुकी होगी तो आप लोगों को डिटेल्स के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग इस मूवी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी और आप लोगों के जो रिव्यूज़ आए हैं अभी तक जितने भी रिव्यूज़ आए हैं क्रिटिक्स की तरफ से वो सारे के सारे बताए जाएंगे और आप लोगों को और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कुछ फैक्ट्स हैं कुछ स्टोरी लाइन है जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ इस मूवी के बारे में डी कॉलोनी टू के बारे में कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं डिमॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना अपना किरदार जो है वो निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है अगर मैं बात करूँ कौन कौन से एक्टर्स हैं तो अरुल अरुलथी उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर अर्चना रविचंद्रन और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी मीनाक्षी देखने को मिल जाएंगे सरजोना खालिद देखने को मिलेंगे आप लोगों को ऐसे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है अगर मैं बात करूँ कि क्या इस मूवी की आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस को रिलीज़ नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी को अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई ना ही इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूजर्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है हाँ इस मूवी को जल्द ही परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इसकी ना ही परसेंटेज स्टार्ट की गई है और ना ही इसे गूगल के यूजर्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है ना ही इसे गूगल इस, जो है आई एम रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है लेकिन इस मूवी की अगर मैं बात करूं कि ये मूवी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी और किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को तमिल जुबान में देखने को मिलेगी पंद्रह अगस्त दो इस मूवी की रिलीज़ डेट है और इस रिलीज़ डेट के चलते आप लोगों को ये मूवी जो है वो थिएटर्स के अंदर तमिल ज़ुबान में देखने को मिलेगी हिंदी जुबान में नहीं देखने को मिलेगी ये मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट किया है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा गया है सारी की सारी डायरेक्शन को रखा है यहाँ पर आर अजय गरन मूथू ने जी हाँ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है जिन्होंने इस मूवी के अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है अगर मैं बात करूं कौन कौन सी मूवीज़ हैं तो डी कॉलोनी वन भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड अभी टू भी वही डायरेक्ट कर रहे हैं उसी के साथ साथ माइका नोदीगल उन्होंने डायरेक्ट की है कोबरा जैसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से इन्होंने ये सारी मूवीज़ जो हैं वो डायरेक्ट की हैं अगर मैं बात करूँ टाइम ड्यूरेशन की और जेनर की कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी और इस मूवी का जेनर क्या होगा हम इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या क्या देखने को को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा यहाँ पर आप लोगों को एक्शन के साथ साथ ड्रामा भी देखने को मिलेगा रोमांस भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये चांस आप लोगों का ये जो मूवी डिज़र्व भी करती है और तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप लोगों को हॉरर कॉमेडी एलिमेंट बहुत ही बखूबी देखने को मिलेगा बाकी ये मूवी तमिल ज़ुबान की है और इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर ही अभी लगाया गया है वेल तो जी अगर आप लोग भी फैमिली इंटरटेनर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं आप लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं इन्जॉय करना पसंद करते हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मूवी देखना एक वन ऑफ द बेस्ट वे है और इसके साथ आप लोगों का इंटरटेनमेंट भी अच्छा होता है फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड होता है और अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर फैमिली के इमोशंस भी हो हॉरर एलिमेंट भी हो कॉमेडी भी हो तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए जिस मूवी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एक हॉरर कॉमेडी मूवी डी मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में साल 2024 में रिलीज़ होने वाली अपकमिंग मूवी डी मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जब मैं इसे रिलीज़ जब मैं इसके बारे में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब इसे रिलीज़ नहीं किया गया तो हाँ जब तक मैं इसे अपलोड करूँगा आई थिंक इसके अंदर जो है वो सभी चीज़ें आ चुकी होंगी और मूवी भी रिलीज़ हो चुकी होगी तो आप लोगों को डिटेल्स के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग इस मूवी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी और आप लोगों के जो रिव्यूज़ आए हैं अभी तक जितने भी रिव्यूज़ आए हैं क्रिटिक्स की तरफ से वो सारे के सारे बताए जाएंगे और आप लोगों को और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कुछ फैक्ट्स हैं कुछ स्टोरी लाइन है जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ इस मूवी के बारे में डिमोन्ट कॉलोनी टू के बारे में कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं डिमॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना अपना किरदार जो है वो निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है अगर मैं बात करूँ कौन कौन से एक्टर्स हैं तो अरुल अरुलथी उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर अर्चना रविचंद्रन और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी मीनाक्षी देखने को मिल जाएंगे सरजोना खालिद देखने को मिलेंगे आप लोगों को ऐसे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है अगर मैं बात करूँ कि क्या इस मूवी की आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी को अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई ना ही इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है हाँ इस मूवी को जल्द ही परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इसकी ना ही परसेंटेज स्टार्ट की गई है और ना ही इसे गूगल के यूजर्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है ना ही इसे गूगल जो है आई एम डी रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है लेकिन इस मूवी की अगर मैं बात करूं कि ये मूवी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी और किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को तमिल ज़ुबान में देखने को मिलेगी पंद्रह अगस्त दो इस मूवी की रिलीज डेट है और इस रिलीज़ डेट के चलते आप लोगों को ये मूवी जो है वो थिएटर्स के अंदर तमिल ज़ुबान में देखने को मिलेगी हिंदी जुबान में नहीं देखने को मिलेगी ये मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डाय डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट किया है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा गया है सारी की सारी डायरेक्शन को रखा है यहाँ पर आर अजय गरन मूथू ने जी हाँ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है जिन्होंने इस मूवी के अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है अगर मैं बात करूं कौन कौन सी मूवीज़ हैं तो डी कॉलोनी वन भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड अभी टू भी वही डायरेक्ट कर रहे हैं उसी के साथ साथ माई का नोदिगल उन्होंने डायरेक्ट की है कोबरा जैसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से इन्होंने ये सारी मूवीज़ जो हैं वो डायरेक्ट की हैं अगर मैं बात करूँ टाइम ड्यूरेशन की और जेनर की कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी और इस मूवी का जेनर क्या होगा हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या क्या देखने को को एंड एक्सपीरियंस करने मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा यहाँ पर आप लोगों को एक्शन के साथ साथ ड्रामा भी देखने को मिलेगा रोमांस भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये चांस आप लोगों का ये जो मूवी डिजर्व भी करती है और तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप लोगों को हॉरर कॉमेडी एलिमेंट बहुत ही बखूबी देखने को मिलेगा बाकी ये मूवी तमिल ज़ुबान की है और इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर ही अभी लगाया गया है वेल तो जी अगर आप लोग भी फैमिली इंटरटेनर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं आप लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं इन्जॉय करना पसंद करते हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मूवी देखना एक वन ऑफ़ द बेस्ट वे है और इसके साथ आप लोगों का एंटरटेनमेंट भी अच्छा होता है फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड होता है और अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर फैमिली के इमोशंस भी हो हॉरर एलिमेंट भी हो कॉमेडी भी हो तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए जिस मूवी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एक हॉरर कॉमेडी मूवी डी मोंट कॉलोनी टू के बारे में साल 2024 में रिलीज़ होने वाली अपकमिंग मूवी डि मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जब मैं इसे रिलीज़ जब मैं इसके बारे में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब इसे रिलीज़ नहीं किया गया तो हाँ जब तक मैं इसे अपलोड करूँगा आई थिंक इसके अंदर जो है वो सभी चीज़ें आ चुकी होंगी और मूवी भी रिलीज़ हो चुकी होगी तो आप लोगों को डिटेल्स के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग इस मूवी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी और आप लोगों के जो रिव्यूज़ आए हैं अभी तक जितने भी रिव्यूज़ आए हैं क्रिटिक्स की तरफ से वो सारे के सारे बताए जाएंगे और आप लोगों को और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कुछ फैक्ट्स हैं कुछ स्टोरी लाइन है जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ इस मूवी के बारे में डिमोन्ट कॉलोनी टू के बारे में कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं डिमॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना अपना किरदार जो है वो निभा आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है अगर मैं बात करूँ कौन कौन से एक्टर्स हैं तो अरुल अरुलथी उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर अर्चना रविचंद्रन और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी मीनाक्षी देखने को मिल जाएंगे सरजोना खालिद देखने को मिलेंगे आप लोगों को ऐसे और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर मैं बात करूं कि क्या इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी को अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई ना ही इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है हाँ इस मूवी को जल्द ही परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इसकी ना ही परसेंटेज स्टार्ट की गई है और ना ही इसे गूगल के यूजर्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है ना ही इसे गूगल जो है वो आई एम रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है लेकिन इस मूवी की अगर मैं बात करूं कि ये मूवी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी और किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को तमिल ज़ुबान में देखने को मिलेगी पंद्रह अगस्त दो इस मूवी की रिलीज डेट है और इस रिलीज डेट के चलते आप लोगों को ये मूवी जो है वो थिएटर्स के अंदर तमिल ज़ुबान में देखने को मिलेगी हिंदी जुबान में नहीं देखने को मिलेगी ये मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट किया है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा गया है सारी की सारी डायरेक्शन को रखा है यहाँ पर आर अजय गरन मूथ ने जी हाँ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है जिन्होंने इस मूवी के अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है अगर मैं बात करूं कौन कौन सी मूवीज़ हैं तो डिमॉन्ट कॉलोनी वन भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड अभी टू भी वही डायरेक्ट कर रहे हैं उसी के साथ साथ माई का नोदिगल उन्होंने डायरेक्ट की है कोबरा जैसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से इन्होंने ये सारी मूवीज़ जो हैं वो डायरेक्ट की हैं अगर मैं बात करूँ टाइम ड्यूरेशन की और जेनर की कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी और इस मूवी का जेनर क्या होगा हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा यहां पर आप लोगों को एक्शन के साथ साथ ड्रामा भी देखने को मिलेगा रोमांस भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये चांस आप लोगों का ये जो मूवी डिजर्व भी करती है और तकरीबन ढाई घंटे के राउंड इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप लोगों को हॉरर कॉमेडी एलिमेंट बहुत ही बखूबी देखने को मिलेगा बाकी ये मूवी तमिल ज़ुबान की है और इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर ही अभी लगाया गया वेल तो जी अगर आप लोग भी फैमिली इंटरटेनर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं आप लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं इन्जॉय करना पसंद करते हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मूवी देखना एक वन ऑफ द बेस्ट वे है और इसके साथ आप लोगों का इंटरटेनमेंट भी अच्छा होता है फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड होता है और अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर फैमिली के इमोशनज भी हो हॉरर एलिमेंट भी हो कॉमेडी भी हो तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए जिस मूवी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एक हॉरर कॉमेडी मूवी डी मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में साल 2024 में रिलीज़ होने वाली अपकमिंग मूवी डि मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जब मैं इसे रिलीज़ जब मैं इसके बारे में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब इसे रिलीज़ नहीं किया गया तो हाँ जब तक मैं इसे अपलोड करूँगा आई थिंक इसके अंदर जो है वो सभी चीज़ें आ चुकी होंगी और मूवी भी रिलीज़ हो चुकी होगी तो आप लोगों को डिटेल्स के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग इस मूवी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी और आप लोगों के जो रिव्यूज़ आए हैं अभी तक जितने भी रिव्यूज़ आए हैं क्रिटिक्स की तरफ से वो सारे के सारे बताए जाएंगे और आप लोगों को और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कुछ फैक्ट्स हैं कुछ स्टोरी लाइन है जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ इस मूवी के बारे में डिमोन्ट कॉलोनी टू के बारे में कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं डिमॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना अपना किरदार जो है वो निभाकर आप लोगों सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है अगर मैं बात करूं कौन कौन से एक्टर्स हैं तो अरुल अरुलथी उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर अर्चना रविचंद्रन और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी मीनाक्षी देखने को मिल जाएंगे सरजोना खालिद देखने को मिलेंगे आप लोगों को ऐसे और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर मैं बात करूं कि क्या इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी को अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई ना ही इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है हाँ इस मूवी को जल्द ही परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इसकी ना ही परसेंटेज स्टार्ट की गई है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है ना ही इसे गूगल जो है आई एम रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है लेकिन इस मूवी की अगर मैं बात करूं कि ये मूवी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी और किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को तमिल जुबान में देखने को मिलेगी पंद्रह अगस्त दो इस मूवी की रिलीज़ डेट है और इस रिलीज़ डेट के चलते आप लोगों को ये मूवी जो है वो थिएटर्स के अंदर तमिल ज़ुबान में देखने को मिलेगी हिंदी जुबान में नहीं देखने को मिलेगी ये मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट किया है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा गया है सारी की सारी डायरेक्शन को रखा है यहाँ पर आर अजय गरन मूथू ने जी हाँ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है जिन्होंने इस मूवी के अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है अगर मैं बात करूं कौन कौन सी मूवीज़ हैं तो डिमॉन्ट कॉलोनी वन भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड अभी टू भी वही डायरेक्ट कर रहे हैं उसी के साथ साथ माई का नोदिगल उन्होंने डायरेक्ट की है कोबरा जैसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से इन्होंने ये सारी मूवीज़ जो हैं वो डायरेक्ट की हैं अगर मैं बात करूँ टाइम ड्यूरेशन की और जेनर की कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी और इस मूवी का जेनर क्या होगा हमें इस में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या क्या देखने को को एंड एक्सपीरियंस करने मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा यहाँ पर आप लोगों को एक्शन के साथ साथ ड्रामा भी देखने को मिलेगा रोमांस भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये चांस आप लोगों का ये जो मूवी डिजर्व भी करती है और तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप लोगों को हॉरर कॉमेडी एलिमेंट बहुत ही बखूबी देखने को मिलेगा बाकी ये मूवी तमिल ज़ुबान की है और इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर ही अभी लगाया गया वेल तो जी अगर आप लोग भी फैमिली इंटरटेनर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं आप लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं इन्जॉय करना पसंद करते हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मूवी देखना एक वन ऑफ द बेस्ट वे है और इसके साथ आप लोगों का इंटरटेनमेंट भी अच्छा होता है फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड होता है और अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर फैमिली के इमोशनज भी हो हॉरर एलिमेंट भी हो कॉमेडी भी हो तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए जिस मूवी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एक हॉरर कॉमेडी मूवी डि मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में साल 2024 में रिलीज़ होने वाली अपकमिंग मूवी डि मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जब मैं इसे रिलीज़ जब मैं इसके बारे में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब इसे रिलीज़ नहीं किया गया तो हाँ जब तक मैं इसे अपलोड करूँगा आई थिंक इसके अंदर जो है वो सभी चीज़ें आ चुकी होंगी और मूवी भी रिलीज़ हो चुकी होगी तो आप लोगों को डिटेल्स के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग इस मूवी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी और आप लोगों के जो रिव्यूज आए हैं अभी तक जितने भी रिव्यूज़ आए हैं क्रिटिक्स की तरफ से वो सारे के सारे बताए जाएंगे और आप लोगों को और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कुछ फैक्ट्स हैं कुछ स्टोरी लाइन है जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ इस मूवी के बारे में डी कॉलोनी टू के बारे में कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं डिमॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना अपना किरदार जो है वो निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है अगर मैं बात करूँ कौन कौन से एक्टर्स हैं तो अरुल अरुलथी उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर अर्चना रविचंद्रन और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी मीनाक्षी देखने को मिल जाएंगे सरजोना खालिद देखने को मिलेंगे आप लोगों को ऐसे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है अगर मैं बात करूँ कि क्या इस मूवी की आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस को रिलीज़ नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी को अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई ना ही इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है हाँ इस मूवी को जल्द परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी, जाएगी। लेकिन अभी तक इसकी ना ही परसेंटेज स्टार्ट की गई है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है ना ही इसे गूगल जो है आई एम रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है लेकिन इस मूवी की अगर मैं बात करूं कि ये मूवी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी और किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को तमिल जुबान में देखने को मिलेगी पंद्रह अगस्त दो इस मूवी की रिलीज़ डेट है और इस रिलीज़ डेट के चलते आप लोगों को ये मूवी जो है वो थिएटर्स के अंदर तमिल ज़ुबान में देखने को मिलेगी हिंदी जुबान में नहीं देखने को मिलेगी ये मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट किया है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा गया है सारी की सारी डायरेक्शन को रखा है यहाँ पर आर अजय गरन मूथू ने जी हाँ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है जिन्होंने इस मूवी के अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है अगर मैं बात करूं कौन कौन सी मूवीज़ हैं तो डिमॉन्ट कॉलोनी वन भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड अभी टू भी वही डायरेक्ट कर रहे हैं उसी के साथ साथ माई का नोदिगल उन्होंने डायरेक्ट की है कोबरा जैसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से इन्होंने ये सारी मूवीज़ जो हैं वो डायरेक्ट की हैं अगर मैं बात करूँ टाइम ड्यूरेशन की और जेनर की कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी और इस मूवी का जेनर क्या होगा हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा यहाँ पर आप लोगों को एक्शन के साथ साथ ड्रामा भी देखने को मिलेगा रोमांस भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आपको आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये चांस आप लोगों का ये जो मूवी डिजर्व भी करती है और तकरीबन ढाई घंटे के राउंड मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप लोगों को हॉरर कॉमेडी एलिमेंट बहुत ही बखूबी देखने को मिलेगा बाकी ये मूवी तमिल ज़ुबान की है और इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर ही अभी लगाया गया वेल well, तो जी अगर आप लोग भी फैमिली इंटरटेनर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं आप लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं इन्जॉय करना पसंद करते हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मूवी देखना एक वन ऑफ़ द बेस्ट वे है और इसके साथ आप लोगों का इंटरटेनमेंट भी अच्छा होता है फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड होता है और अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर फैमिली के इमोशनज़ भी हो हॉरर एलिमेंट भी हो कॉमेड भी हो तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए जिस मूवी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एक हॉरर कॉमेडी मूवी डी मोंट कॉलोनी टू के बारे में साल 2024 में रिलीज़ होने वाली अपकमिंग मूवी डि मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जब मैं इसे रिलीज़ जब मैं इसके बारे में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब इसे रिलीज़ नहीं किया गया तो हाँ जब तक मैं इसे अपलोड करूँगा आई थिंक इसके अंदर जो है वो सभी चीज़ें आ चुकी होंगी और मूवी भी रिलीज़ चुकी होगी तो आप लोगों को डिटेल्स के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग इस मूवी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी और आप लोगों के जो रिव्यूज़ आए हैं अभी तक जितने भी रिव्यूज़ आए हैं क्रिटिक्स की तरफ से वो सारे के सारे बताए जाएंगे और आप लोगों को और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कुछ फैक्ट्स हैं कुछ स्टोरी लाइन है जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ इस मूवी के बारे में डी कॉलोनी टू के बारे में कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं डिमॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना अपना किरदार जो है वो निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है अगर मैं बात करूँ कौन कौन से एक्टर्स हैं तो अरुल अरुलथी उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर अर्चना रविचंद्रन और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी मीनाक्षी देखने को मिल जाएंगे सरजोना खालिद देखने को मिलेंगे आप लोगों को ऐसे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है अगर मैं बात करूँ कि क्या इस मूवी की आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस को रिलीज़ नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी को अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई ना ही इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूजर्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है हाँ इस मूवी को जल्द ही परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इसकी ना ही परसेंटेज स्टार्ट की गई है और ना ही इसे गूगल के यूजर्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है ना ही इसे गूगल जो है आई एम रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है लेकिन इस मूवी की अगर मैं बात करूँ कि ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी और किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को तमिल ज़ुबान में देखने को मिलेगी पंद्रह अगस्त दो इस मूवी की रिलीज़ डेट है और इस रिलीज़ डेट के चलते आप लोगों को ये मूवी जो है वो थिएटर्स के अंदर तमिल ज़ुबान में देखने को मिलेगी हिंदी जुबान में नहीं देखने को मिलेगी ये मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डाय डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट किया है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा गया है सारी की सारी डायरेक्शन को रखा है यहाँ पर आर अजय गरन मूथू ने जी हाँ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है जिन्होंने इस मूवी के अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है अगर मैं बात करूं कौन कौन सी मूवीज़ हैं तो डी कॉलोनी वन भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड अभी टू भी वही डायरेक्ट कर रहे हैं उसी के साथ साथ माइका नोदीगल उन्होंने डायरेक्ट की है कोबरा जैसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से इन्होंने ये सारी मूवीज़ जो हैं वो डायरेक्ट की हैं अगर मैं बात करूँ टाइम ड्यूरेशन की और जेनर की कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी और इस मूवी का जेनर क्या होगा हम इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या क्या देखने को को एंड एक्सपीरियंस करने मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा यहाँ पर आप लोगों को एक्शन के साथ साथ ड्रामा भी देखने को मिलेगा रोमांस भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये चांस आप लोगों का ये जो मूवी डिजर्व भी करती है और तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप लोगों को हॉरर कॉमेडी एलिमेंट बहुत ही बखूबी देखने को मिलेगा बाकी ये मूवी तमिल ज़ुबान की है और इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर ही अभी लगाया गया वेल well, तो जी अगर आप लोग भी फैमिली इंटरटेनर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं आप लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं इन्जॉय करना पसंद करते हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मूवी देखना एक वन ऑफ़ द बेस्ट वे है और इसके साथ आप लोगों का इंटरटेनमेंट भी अच्छा होता है फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड होता है और अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर फैमिली के इमोशनस भी हो हॉर एलिमेंट भी हो कॉमेड भी हो तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए जिस मूवी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एक हॉरर कॉमेडी मूवी डी मोंट कॉलोनी टू के बारे में साल 2024 में रिलीज़ होने वाली अपकमिंग मूवी डि मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जब मैं इसे रिलीज़ क... जब मैं इसके बारे में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब इसे रिलीज़ नहीं किया गया तो हाँ जब तक मैं इसे अपलोड करूँगा आई थिंक इसके अंदर जो है वो सभी चीज़ें आ चुकी होंगी और मूवी भी रिलीज़ हो चुकी होगी तो आप लोगों को डिटेल्स के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग इस मूवी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी और आप लोगों के जो रिव्यूज़ आए हैं अभी तक जितने भी रिव्यूज़ आए हैं क्रिटिक्स की तरफ से वो सारे के सारे बताए जाएंगे और आप लोगों को और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कुछ फैक्ट्स हैं कुछ स्टोरी लाइन है जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ इस मूवी के बारे में डिमोन्ट कॉलोनी टू के बारे में कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं डिमोन्ट कॉलोनी टू के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना अपना किरदार जो है वो निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है अगर मैं बात करूँ कौन कौन से एक्टर्स हैं तो अरुल अरुलथी उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर अर्चना रविचंद्रन और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी मीनाक्षी देखने को मिल जाएंगे सरजोना खालिद देखने को मिलेंगे आप लोगों को ऐसे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है अगर मैं बात करूँ कि क्या इस मूवी की आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी को अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई ना ही इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है हाँ इस मूवी को जल्द ही परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इसकी ना ही परसेंटेज स्टार्ट की गई है और ना ही इसे गूगल के यूजर्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है ना ही इसे गूगल जो है आई एम डी रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है लेकिन इस मूवी की अगर मैं बात करूं कि ये मूवी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी और किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को तमिल ज़ुबान में देखने को मिलेगी पंद्रह अगस्त दो इस मूवी की रिलीज डेट है और इस रिलीज डेट के चलते आप लोगों को ये मूवी जो है वो थिएटर्स के अंदर तमिल ज़ुबान में देखने को मिलेगी हिंदी जुबान में नहीं देखने को मिलेगी ये मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डाय डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट किया है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा गया है सारी की सारी डायरेक्शन को रखा है यहाँ पर आर अजय गरन मूथू ने जी हाँ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है जिन्होंने इस मूवी के अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है अगर मैं बात करूं कौन कौन सी मूवीज़ हैं तो डी कॉलोनी वन भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड अभी टू भी वही डायरेक्ट कर रहे हैं उसी के साथ साथ माई का नोदिगल उन्होंने डायरेक्ट की है कोबरा जैसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से इन्होंने ये सारी मूवीज़ जो हैं वो डायरेक्ट की हैं अगर मैं बात करूँ टाइम ड्यूरेशन की और जेनर की कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी और इस मूवी का जेनर क्या होगा हमें इस मूवी तो में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा यहाँ पर आप लोगों को एक्शन के साथ साथ ड्रामा भी देखने को मिलेगा रोमांस भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये चांस आप लोगों का ये जो मूवी डिज़र्व भी करती है और तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप लोगों को हॉरर कॉमेडी एलिमेंट बहुत ही बखूबी देखने को मिलेगा बाकी ये मूवी तमिल ज़ुबान की है और इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर ही अभी लगाया गया वेल well, तो जी अगर आप लोग भी फैमिली इंटरटेनर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं आप लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं इन्जॉय करना पसंद करते हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मूवी देखना एक वन ऑफ़ द बेस्ट वे है और इसके साथ आप लोगों का इंटरटेनमेंट भी अच्छा होता है फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड होता है और अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर फैमिली के इमोशनस भी हो हॉरर एलिमेंट भी हो कॉमेडी भी हो तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए जिस मूवी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एक हॉरर कॉमेडी मूवी डी मोंट कॉलोनी टू के बारे में साल 2024 में रिलीज़ होने वाली अपकमिंग मूवी डि मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जब मैं इसे रिलीज़ जब मैं इसके बारे में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब इसे रिलीज़ नहीं किया गया तो हाँ जब तक मैं इसे अपलोड करूँगा आई थिंक इसके अंदर जो है वो सभी चीज़ें आ चुकी होंगी और मूवी भी रिलीज़ हो चुकी होगी तो आप लोगों को डिटेल्स के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग इस मूवी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी और आप लोगों के जो रिव्यूज़ आए हैं अभी तक जितने भी रिव्यूज़ आए हैं क्रिटिक्स की तरफ से वो सारे के सारे बताए जाएंगे और आप लोगों को और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कुछ फैक्ट्स हैं कुछ स्टोरी लाइन है जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को मैं कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ इस मूवी के बारे में डिमोन्ट कॉलोनी टू के बारे में कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं डिमॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना अपना किरदार जो है वो निभा आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है अगर मैं बात करूँ कौन कौन से एक्टर्स हैं तो अरुल अरुलथी उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर अर्चना रविचंद्रन और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी मीनाक्षी देखने को मिल जाएंगे सरजोना खालिद देखने को मिलेंगे आप लोगों को ऐसे और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर मैं बात करूं कि क्या इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी को अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई ना ही इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है हाँ इस मूवी को जल्द ही परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इसकी ना ही परसेंटेज स्टार्ट की गई है और ना ही इसे गूगल के यूजर्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है ना ही इसे गूगल जो है वो आई एम रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है लेकिन इस मूवी की अगर मैं बात करूं कि ये मूवी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी और किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को तमिल जुबान में देखने को मिलेगी पंद्रह अगस्त दो इस मूवी की रिलीज डेट है और इस रिलीज डेट के चलते आप लोगों को ये मूवी जो है वो थिएटर्स के अंदर तमिल ज़ुबान में देखने को मिलेगी हिंदी जुबान में नहीं देखने को मिलेगी ये मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट किया है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा गया है सारी की सारी डायरेक्शन को रखा है यहाँ पर आर अजय गरन मूथ ने जी हाँ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है जिन्होंने इस मूवी के अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है अगर मैं बात करूं कौन कौन सी मूवीज़ हैं तो डिमॉन्ट कॉलोनी वन भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड अभी टू भी वही डायरेक्ट कर रहे हैं उसी के साथ साथ माई का नोदिगल उन्होंने डायरेक्ट की है कोबरा जैसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से इन्होंने ये सारी मूवीज़ जो हैं वो डायरेक्ट की हैं अगर मैं बात करूँ टाइम ड्यूरेशन की और जेनर की कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी और इस मूवी का जेनर क्या होगा हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा यहां पर आप लोगों को एक्शन के साथ साथ ड्रामा भी देखने को मिलेगा रोमांस भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये चांस आप लोगों का ये जो मूवी डिजर्व भी करती है और तकरीबन ढाई घंटे के राउंड इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप लोगों को हॉरर कॉमेडी एलिमेंट बहुत ही बखूबी देखने को मिलेगा बाकी ये मूवी तमिल ज़ुबान की है और इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर ही अभी लगाया गया वेल तो जी अगर आप लोग भी फैमिली इंटरटेनर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं आप लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं इन्जॉय करना पसंद करते हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मूवी देखना एक वन ऑफ द बेस्ट वे है और इसके साथ आप लोगों का इंटरटेनमेंट भी अच्छा होता है फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड होता है और अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर फैमिली के इमोशंस भी हो हॉरर एलिमेंट भी हो कॉमेडी भी हो तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए जिस मूवी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एक हॉरर कॉमेडी मूवी डी मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में साल 2024 में रिलीज़ होने वाली अपकमिंग मूवी डि मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जब मैं इसे रिलीज़ जब मैं इसके बारे में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब इसे रिलीज़ नहीं किया गया तो हाँ जब तक मैं इसे अपलोड करूँगा आई थिंक इसके अंदर जो है वो सभी चीज़ें आ चुकी होंगी और मूवी भी रिलीज़ हो चुकी होगी तो आप लोगों को डिटेल्स के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग इस मूवी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी और आप लोगों के जो रिव्यूज़ आए हैं अभी तक जितने भी रिव्यूज़ आए हैं क्रिटिक्स की तरफ से वो सारे के सारे बताए जाएंगे और आप लोगों को और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कुछ फैक्ट्स हैं कुछ स्टोरी लाइन है जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ इस मूवी के बारे में डि मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं डिमॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना अपना किरदार जो है वो निभाकर आप लोगों सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है अगर मैं बात करूं कौन कौन से एक्टर्स हैं तो अरुल अरुलथी उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर अर्चना रविचंद्रन और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी मीनाक्षी देखने को मिल जाएंगे सरजना खालिद देखने को मिलेंगे आप लोगों को ऐसे और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर मैं बात करूं कि क्या इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी को अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई ना ही इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है हाँ इस मूवी को जल्द ही परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इसकी ना ही परसेंटेज स्टार्ट की गई है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है ना ही इसे गूगल जो है आई एम रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है लेकिन इस मूवी की अगर मैं बात करूँ कि ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी और किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को तमिल जुबान में देखने को मिलेगी पंद्रह अगस्त दो इस मूवी की रिलीज़ डेट है और इस रिलीज़ डेट के चलते आप लोगों को ये मूवी जो है वो थिएटर्स के अंदर तमिल ज़ुबान में देखने को मिलेगी हिंदी जुबान में नहीं देखने को मिलेगी ये मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट किया है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा गया है सारी की सारी डायरेक्शन को रखा है यहाँ पर आर अजय गरन मूथू ने जी हाँ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है जिन्होंने इस मूवी के अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है अगर मैं बात करूं कौन कौन सी मूवीज़ हैं तो डिमॉन्ट कॉलोनी वन भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड अभी टू भी वही डायरेक्ट कर रहे हैं उसी के साथ साथ माई नोदीगल उन्होंने डायरेक्ट की है कोबरा जैसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से इन्होंने ये सारी मूवीज़ जो हैं वो डायरेक्ट की हैं अगर मैं बात करूँ टाइम ड्यूरेशन की और जेनर की कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी और इस मूवी का जेनर क्या होगा हमें इस में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा यहाँ पर आप लोगों को एक्शन के साथ साथ ड्रामा भी देखने को मिलेगा रोमांस भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी चांस आप लोगों का ये जो मूवी डिज़र्व भी करती है और तकरीबन ढाई घंटे के राउंड मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप लोगों को हॉरर कॉमेडी एलिमेंट बहुत ही बखूबी देखने को मिलेगा बाकी ये मूवी तमिल जुबान की है और इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर ही अभी लगाया गया वेल तो जी अगर आप लोग भी फैमिली मूवीज़ देखना पसंद करते हैं आप लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं इन्जॉय करना पसंद करते हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मूवी देखना एक वन ऑफ़ द बेस्ट वे है और इसके साथ आप लोगों का एंटरटेनमेंट भी अच्छा होता है फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड होता है और अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर फैमिली के इमोशंस भी हो हॉरर एलिमेंट भी हो कॉमेडी भी हो तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए जिस मूवी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एक हॉरर कॉमेडी मूवी डि मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में साल 2024 में रिलीज़ होने वाली अपकमिंग मूवी डि मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जब मैं इसे रिलीज़ जब मैं इसके बारे में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब इसे रिलीज़ नहीं किया गया तो हाँ जब तक मैं इसे अपलोड करूँगा आई थिंक इसके अंदर जो है वो सभी चीज़ें आ चुकी होंगी और मूवी भी रिलीज़ हो चुकी होगी तो आप लोगों को डिटेल्स के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग इस मूवी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी और आप लोगों के जो रिव्यूज आए हैं अभी तक जितने भी रिव्यूज़ आए हैं क्रिटिक्स की तरफ से वो सारे के सारे बताए जाएंगे और आप लोगों को और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कुछ फैक्ट्स हैं कुछ स्टोरी लाइन है जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ इस मूवी के बारे में डी कॉलोनी टू के बारे में कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं डिमॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना अपना किरदार जो है वो निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है अगर मैं बात करूं कौन कौन से एक्टर्स हैं तो अरुल अरुलथी उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर अर्चना रविचंद्रन और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी मीनाक्षी देखने को मिल जाएंगे सरजना खालिद देखने को मिलेंगे आप लोगों को ऐसे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है अगर मैं बात करूँ कि क्या इस मूवी की आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी को अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई ना ही इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है हाँ इस मूवी को जल्द परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इसकी ना ही परसेंटेज स्टार्ट की गई है और ना ही इसे गूगल के यूजर्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है ना ही इसे गूगल जो है आई एम रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है लेकिन इस मूवी की अगर मैं बात करूं कि ये मूवी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी और किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को तमिल जुबान में देखने को मिलेगी पंद्रह अगस्त दो इस मूवी की रिलीज़ डेट है और इस रिलीज़ डेट के चलते आप लोगों को ये मूवी जो है वो थिएटर्स के अंदर तमिल ज़ुबान में देखने को मिलेगी हिंदी जुबान में नहीं देखने को मिलेगी ये मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट किया है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा गया है सारी की सारी डायरेक्शन को रखा है यहाँ पर आर अजय गरन मूथू ने जी हाँ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है जिन्होंने इस मूवी के अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है अगर मैं बात करूं कौन कौन सी मूवीज़ हैं तो डिमॉन्ट कॉलोनी वन भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड अभी टू भी वही डायरेक्ट कर रहे हैं उसी के साथ साथ माई का नोदिगल उन्होंने डायरेक्ट की है कोबरा जैसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से इन्होंने ये सारी मूवीज़ जो हैं वो डायरेक्ट की हैं अगर मैं बात करूँ टाइम ड्यूरेशन की और जेनर की कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी और इस मूवी का जेनर क्या होगा हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या क्या देखने को को एंड एक्सपीरियंस करने मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा यहाँ पर आप लोगों को एक्शन के साथ साथ ड्रामा भी देखने को मिलेगा रोमांस भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आपको आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये चांस आप लोगों का ये जो मूवी डिजर्व भी करती है और तकरीबन ढाई घंटे के राउंड मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप लोगों को हॉरर कॉमेडी एलिमेंट बहुत ही बखूबी देखने को मिलेगा बाकी ये मूवी तमिल ज़ुबान की है और इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर ही अभी लगाया गया वेल well, तो जी अगर आप लोग भी फैमिली इंटरटेनर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं आप लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं इन्जॉय करना पसंद करते हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मूवी देखना एक वन ऑफ़ द बेस्ट वे है और इसके साथ आप लोगों का इंटरटेनमेंट भी अच्छा होता है फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड होता है और अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर फैमिली के इमोशनज़ भी हो हॉरर एलिमेंट भी हो कॉमेड भी हो तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए जिस मूवी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एक हॉरर कॉमेडी मूवी डी मोंट कॉलोनी टू के बारे में साल 2024 में रिलीज़ होने वाली अपकमिंग मूवी डि मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जब मैं इसे रिलीज़ क... जब मैं इसके बारे में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब इसे रिलीज़ नहीं किया गया तो हाँ जब तक मैं इसे अपलोड करूँगा आई थिंक इसके अंदर जो है वो सभी चीज़ें आ चुकी होंगी और मूवी भी रिलीज़ चुकी होगी तो आप लोगों को डिटेल्स के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग इस मूवी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी और आप लोगों के जो रिव्यूज़ आए हैं अभी तक जितने भी रिव्यूज़ आए हैं क्रिटिक्स की तरफ से वो सारे के सारे बताए जाएंगे और आप लोगों को और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कुछ फैक्ट्स हैं कुछ स्टोरी लाइन है जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ इस मूवी के बारे में डी कॉलोनी टू के बारे में कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं डिमॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना अपना किरदार जो है वो निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है अगर मैं बात करूँ कौन कौन से एक्टर्स हैं तो अरुल अरुलथी उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर अर्चना रविचंद्रन और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी मीनाक्षी देखने को मिल जाएंगे सरजोना खालिद देखने को मिलेंगे आप लोगों को ऐसे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है अगर मैं बात करूँ कि क्या इस मूवी की आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस को रिलीज़ नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी को अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई ना ही इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है हाँ इस मूवी को जल्द ही परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इसकी ना ही परसेंटेज स्टार्ट की गई है और ना ही इसे गूगल के यूजर्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है ना ही इसे गूगल जो है आई एम रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है लेकिन इस मूवी की अगर मैं बात करूँ कि ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी और किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को तमिल जुबान में देखने को मिलेगी पंद्रह अगस्त दो इस मूवी की रिलीज़ डेट है और इस रिलीज़ डेट के चलते आप लोगों को ये मूवी जो है वो थिएटर्स के अंदर तमिल ज़ुबान में देखने को मिलेगी हिंदी जुबान में नहीं देखने को मिलेगी ये मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट किया है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा गया है सारी की सारी डायरेक्शन को रखा है यहाँ पर आर अजय गरन मूथू ने जी हाँ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है जिन्होंने इस मूवी के अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है अगर मैं बात करूं कौन कौन सी मूवीज़ हैं तो डी कॉलोनी वन भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड अभी टू भी वही डायरेक्ट कर रहे हैं उसी के साथ साथ माइका नोदीगल उन्होंने डायरेक्ट की है कोबरा जैसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से इन्होंने ये सारी मूवीज़ जो हैं वो डायरेक्ट की हैं अगर मैं बात करूँ टाइम ड्यूरेशन की और जेनर की कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी और इस मूवी का जेनर क्या होगा हम इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या क्या देखने को को एंड एक्सपीरियंस करने मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा यहाँ पर आप लोगों को एक्शन के साथ साथ ड्रामा भी देखने को मिलेगा रोमांस भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये चांस आप लोगों का ये जो मूवी डिजर्व भी करती है और तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप लोगों को हॉरर कॉमेडी एलिमेंट बहुत ही बखूबी देखने को मिलेगा बाकी ये मूवी तमिल ज़ुबान की है और इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर ही अभी लगाया गया वेल well, तो जी अगर आप लोग भी फैमिली इंटरटेनर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं आप लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं इन्जॉय करना पसंद करते हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मूवी देखना एक वन ऑफ़ द बेस्ट वे है और इसके साथ आप लोगों का इंटरटेनमेंट भी अच्छा होता है फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड होता है और अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर फैमिली के इमोशनस भी हो हॉर एलिमेंट भी हो कॉमेड भी हो तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए जिस मूवी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एक हॉरर कॉमेडी मूवी डी मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में साल 2024 में रिलीज़ होने वाली अपकमिंग मूवी डी मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जब मैं इसे रिलीज़ जब मैं इसके बारे में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब इसे रिलीज़ नहीं किया गया तो हाँ जब तक मैं इसे अपलोड करूँगा आई थिंक इसके अंदर जो है वो सभी चीज़ें आ चुकी होंगी और मूवी भी रिलीज़ हो चुकी होगी तो आप लोगों को डिटेल्स के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग इस मूवी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी और आप लोगों के जो रिव्यूज़ आए हैं अभी तक जितने भी रिव्यूज़ आए हैं क्रिटिक्स की तरफ से वो सारे के सारे बताए जाएंगे और आप लोगों को और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कुछ फैक्ट्स हैं कुछ स्टोरी लाइन है जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ इस मूवी के बारे में डिमोन्ट कॉलोनी टू के बारे में कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं डिमोन्ट कॉलोनी टू के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना अपना किरदार जो है वो निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है अगर मैं बात करूँ कौन कौन से एक्टर्स हैं तो अरुल निथी उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर अर्चना रविचंद्रन और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी मीनाक्षी देखने को मिल जाएंगे सरजोना खालिद देखने को मिलेंगे आप लोगों को ऐसे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है अगर मैं बात करूँ कि क्या इस मूवी की आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को तो तो रिलीज़ नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी को अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई ना ही इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है हाँ इस मूवी को जल्द ही परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इसकी ना ही परसेंटेज स्टार्ट की गई है और ना ही इसे गूगल के यूजर्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है ना ही इसे गूगल जो है आई एम डी रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है लेकिन इस मूवी की अगर मैं बात करूं कि ये मूवी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी और किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को तमिल ज़ुबान में देखने को मिलेगी पंद्रह अगस्त दो इस मूवी की रिलीज डेट है और इस रिलीज़ डेट के चलते आप लोगों को ये मूवी जो है वो थिएटर्स के अंदर तमिल ज़ुबान में देखने को मिलेगी हिंदी जुबान में नहीं देखने को मिलेगी ये मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डाय डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट किया है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा गया है सारी की सारी डायरेक्शन को रखा है यहाँ पर आर अजय गरन मूथू ने जी हाँ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है जिन्होंने इस मूवी के अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है अगर मैं बात करूं कौन कौन सी मूवीज़ हैं तो डी कॉलोनी वन भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड अभी टू भी वही डायरेक्ट कर रहे हैं उसी के साथ साथ माई का नोदिगल उन्होंने डायरेक्ट की है कोबरा जैसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से इन्होंने ये सारी मूवीज़ जो हैं वो डायरेक्ट की हैं अगर मैं बात करूँ टाइम ड्यूरेशन की और जेनर की कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी और इस मूवी का जेनर क्या होगा हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी तो के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा यहाँ पर आप लोगों को एक्शन के साथ साथ ड्रामा भी देखने को मिलेगा रोमांस भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये चांस आप लोगों का ये जो मूवी डिजर्व भी करती है और तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप लोगों को हॉरर कॉमेडी एलिमेंट बहुत ही बखूबी देखने को मिलेगा बाकी ये मूवी तमिल ज़ुबान की है और इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर ही अभी लगाया गया वेल well, तो जी अगर आप लोग भी फैमिली इंटरटेनर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं आप लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं इन्जॉय करना पसंद करते हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मूवी देखना एक वन ऑफ द बेस्ट वे है और इसके साथ आप लोगों का इंटरटेनमेंट भी अच्छा होता है फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड होता है और अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर फैमिली के इमोशन भी हो हॉरर एलिमेंट भी हो कॉमेडी भी हो तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए जिस मूवी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एक हॉरर कॉमेडी मूवी डी मोंट कॉलोनी टू के बारे में साल 2024 में रिलीज़ होने वाली अपकमिंग मूवी डि मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जब मैं इसे रिलीज़ जब मैं इसके बारे में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब तो इसे रिलीज़ नहीं किया गया तो हाँ जब तक मैं इसे अपलोड करूँगा आई थिंक इसके अंदर जो है वो सभी चीज़ें आ चुकी होंगी और मूवी भी रिलीज़ हो चुकी होगी तो आप लोगों को डिटेल्स के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग इस मूवी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी और आप लोगों के जो रिव्यूज़ आए हैं अभी तक जितने भी रिव्यूज़ आए हैं क्रिटिक्स की तरफ से वो सारे के सारे बताए जाएंगे और आप लोगों को और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कुछ फैक्ट्स हैं कुछ स्टोरी लाइन है जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को मैं कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ इस मूवी के बारे में डिमोन्ट कॉलोनी टू के बारे में कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं डिमॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना अपना किरदार जो है वो निभा आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है अगर मैं बात करूँ कौन कौन से एक्टर्स हैं तो अरुल अरुलथी उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर अर्चना रविचंद्रन और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी मीनाक्षी देखने को मिल जाएंगे सरजोना खालिद देखने को मिलेंगे आप लोगों को ऐसे और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर मैं बात करूं कि क्या इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी को अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई ना ही इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है हाँ इस मूवी को जल्द ही परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इसकी ना ही परसेंटेज स्टार्ट की गई है और ना ही इसे गूगल के यूजर्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है ना ही इसे गूगल जो है वो आई एम रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है लेकिन इस मूवी की अगर मैं बात करूं कि ये मूवी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी और किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को तमिल ज़ुबान में देखने को मिलेगी पंद्रह अगस्त दो इस मूवी की रिलीज डेट है और इस रिलीज डेट के चलते आप लोगों को ये मूवी जो है वो थिएटर्स के अंदर तमिल ज़ुबान में देखने को मिलेगी हिंदी जुबान में नहीं देखने को मिलेगी ये मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डाय डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट किया है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा गया है सारी की सारी डायरेक्शन को रखा है यहाँ पर आर अजय गरन मूथ ने जी हाँ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है जिन्होंने इस मूवी के अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है अगर मैं बात करूं कौन कौन सी मूवीज़ हैं तो डिमॉन्ट कॉलोनी वन भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड अभी टू भी वही डायरेक्ट कर रहे हैं उसी के साथ साथ माई का नोदिगल उन्होंने डायरेक्ट की है कोबरा जैसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से इन्होंने ये सारी मूवीज़ जो हैं वो डायरेक्ट की हैं अगर मैं बात करूँ टाइम ड्यूरेशन की और जेनर की कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी और इस मूवी का जेनर क्या होगा हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा यहां पर आप लोगों को एक्शन के साथ साथ ड्रामा भी देखने को मिलेगा रोमांस भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये चांस आप लोगों का ये जो मूवी डिजर्व भी करती है और तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप लोगों को हॉरर कॉमेडी एलिमेंट बहुत ही बखूबी देखने को मिलेगा बाकी ये मूवी तमिल ज़ुबान की है और इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर ही अभी लगाया गया वेल तो जी अगर आप लोग भी फैमिली इंटरटेनर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं आप लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं इन्जॉय करना पसंद करते हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मूवी देखना एक वन ऑफ द बेस्ट वे है और इसके साथ आप लोगों का इंटरटेनमेंट भी अच्छा होता है फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड होता है और अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर फैमिली के इमोशनज भी हो हॉरर एलिमेंट भी हो कॉमेडी भी हो तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए जिस मूवी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ हा, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एक हॉरर कॉमेडी मूवी डी मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में साल 2024 में रिलीज़ होने वाली अपकमिंग मूवी डि मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जब मैं इसे रिलीज़ जब मैं इसके बारे में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब इसे रिलीज़ नहीं किया गया तो हाँ जब तक मैं इसे अपलोड करूँगा आई थिंक इसके अंदर जो है वो सभी चीज़ें आ चुकी होंगी और मूवी भी रिलीज़ हो चुकी होगी तो आप लोगों को डिटेल्स के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग इस मूवी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी और आप लोगों के जो रिव्यूज़ आए हैं अभी तक जितने भी रिव्यूज़ आए हैं क्रिटिक्स की तरफ से वो सारे के सारे बताए जाएंगे और आप लोगों को और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कुछ फैक्ट्स हैं कुछ स्टोरी लाइन है जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ इस मूवी के बारे में डि मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं डिमॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना अपना किरदार जो है वो निभाकर आप लोगों सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है अगर मैं बात करूं कौन कौन से एक्टर्स हैं तो अरुल अरुलथी उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर अर्चना रविचंद्रन और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी मीनाक्षी देखने को मिल जाएंगे सरजना खालिद देखने को मिलेंगे आप लोगों को ऐसे और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर मैं बात करूं कि क्या इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी को अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई ना ही इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है हाँ इस मूवी को जल्द ही परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इसकी ना ही परसेंटेज स्टार्ट की गई है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है ना ही इसे गूगल जो है वो आई एम रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है लेकिन इस मूवी की अगर मैं बात करूँ कि ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी और किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को तमिल जुबान में देखने को मिलेगी पंद्रह अगस्त दो इस मूवी की रिलीज़ डेट है और इस रिलीज़ डेट के चलते आप लोगों को ये मूवी जो है वो थिएटर्स के अंदर तमिल ज़ुबान में देखने को मिलेगी हिंदी जुबान में नहीं देखने को मिलेगी ये मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहां पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डाय डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट किया है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा गया है सारी की सारी डायरेक्शन को रखा है यहाँ पर आर अजय गरन मूथू ने जी हाँ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है जिन्होंने इस मूवी के अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है अगर मैं बात करूं कौन कौन सी मूवीज़ हैं तो डिमॉन्ट कॉलोनी वन भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड अभी टू भी वही डायरेक्ट कर रहे हैं उसी के साथ साथ माई का नोदिगल उन्होंने डायरेक्ट की है कोबरा जैसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से इन्होंने ये सारी मूवीज़ जो हैं वो डायरेक्ट की हैं अगर मैं बात करूँ टाइम ड्यूरेशन की और जेनर की कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी और इस मूवी का जेनर क्या होगा हमें इस में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या क्या देखने को क्या को एंड एक्सपीरियंस करने मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा यहाँ पर आप लोगों को एक्शन के साथ साथ ड्रामा भी देखने को मिलेगा रोमांस भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये चांस आप लोगों का ये जो मूवी डिजर्व भी करती है और तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप लोगों को हॉरर कॉमेडी एलिमेंट बहुत ही बखूबी देखने को मिलेगा बाकी ये मूवी तमिल ज़ुबान की है और इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर ही अभी लगाया गया वेल well, तो जी अगर आप लोग भी फैमिली इंटरटेनर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं आप लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं इन्जॉय करना पसंद करते हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मूवी देखना एक वन ऑफ द बेस्ट वे है और इसके साथ आप लोगों का इंटरटेनमेंट भी अच्छा होता है फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड होता है और अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर फैमिली के इमोशनज भी हो हॉरर एलिमेंट भी हो कॉमेडी भी हो तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए जिस मूवी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एक हॉरर कॉमेडी मूवी डिमोन्ट कॉलोनी टू के बारे में साल 2024 में रिलीज़ होने वाली अपकमिंग मूवी डि मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जब मैं इसे रिलीज़ जब मैं इसके बारे में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब इसे रिलीज़ नहीं किया गया तो हाँ जब तक मैं इसे अपलोड करूँगा आई थिंक इसके अंदर जो है वो सभी चीज़ें आ चुकी होंगी और मूवी भी रिलीज़ हो चुकी होगी तो आप लोगों को डिटेल्स के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग इस मूवी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी और आप लोगों के जो रिव्यूज आए हैं अभी तक जितने भी रिव्यूज़ आए हैं क्रिटिक्स की तरफ से वो सारे के सारे बताए जाएंगे और आप लोगों को और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कुछ फैक्ट्स हैं कुछ स्टोरी लाइन है जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ इस मूवी के बारे में डी कॉलोनी टू के बारे में कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं डिमॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना अपना किरदार जो है वो निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है अगर मैं बात करूं कौन कौन से एक्टर्स हैं तो अरुल अरुलथी उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर अर्चना रविचंद्रन और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी मीनाक्षी देखने को मिल जाएंगे सरजोना खालिद देखने को मिलेंगे आप लोगों को ऐसे और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर मैं बात करूँ कि क्या इस मूवी की आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी को अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई ना ही इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है हाँ इस मूवी को जल्द परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इसकी ना ही परसेंटेज स्टार्ट की गई है और ना ही इसे गूगल के यूजर्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है ना ही इसे गूगल जो है आई एम रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है लेकिन इस मूवी की अगर मैं बात करूं कि ये मूवी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी और किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को तमिल जुबान में देखने को मिलेगी पंद्रह अगस्त दो इस मूवी की रिलीज़ डेट है और इस रिलीज़ डेट के चलते आप लोगों को ये मूवी जो है वो थिएटर्स के अंदर तमिल ज़ुबान में देखने को मिलेगी हिंदी जुबान में नहीं देखने को मिलेगी ये मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट किया है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा गया है सारी की सारी डायरेक्शन को रखा है यहाँ पर आर अजय गरन मूथू ने जी हाँ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है जिन्होंने इस मूवी के अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है अगर मैं बात करूं कौन कौन सी मूवीज़ हैं तो डिमॉन्ट कॉलोनी वन भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड अभी टू भी वही डायरेक्ट कर रहे हैं उसी के साथ साथ माई का नोदिगल उन्होंने डायरेक्ट की है कोबरा जैसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से इन्होंने ये सारी मूवीज़ जो हैं वो डायरेक्ट की हैं अगर मैं बात करूँ टाइम ड्यूरेशन की और जेनर की कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी और इस मूवी का जेनर क्या होगा हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा यहाँ पर आप लोगों को एक्शन के साथ साथ ड्रामा भी देखने को मिलेगा रोमांस भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आपको आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये चांस आप लोगों का ये जो मूवी डिजर्व भी करती है और तकरीबन ढाई घंटे के राउंड मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप लोगों को हॉरर कॉमेडी एलिमेंट बहुत ही बखूबी देखने को मिलेगा बाकी ये मूवी तमिल ज़ुबान की है और इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर ही अभी लगाया गया वेल well, तो जी अगर आप लोग भी फैमिली इंटरटेनर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं आप लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं इन्जॉय करना पसंद करते हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मूवी देखना एक वन ऑफ़ द बेस्ट वे है और इसके साथ आप लोगों का इंटरटेनमेंट भी अच्छा होता है फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड होता है और अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर फैमिली के इमोशनज भी हो हॉरर एलिमेंट भी हो कॉमेडी भी हो तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए जिस मूवी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एक हॉरर कॉमेडी मूवी डी मोंट कॉलोनी टू के बारे में साल 2024 में रिलीज़ होने वाली अपकमिंग मूवी डि मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जब मैं इसे रिलीज़ जब मैं इसके बारे में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब इसे रिलीज़ नहीं किया गया तो हाँ जब तक मैं इसे अपलोड करूँगा आई थिंक इसके अंदर जो है वो सभी चीज़ें आ चुकी होंगी और मूवी भी रिलीज़ चुकी होगी तो आप लोगों को डिटेल्स के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग इस मूवी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी और आप लोगों के जो रिव्यूज़ आए हैं अभी तक जितने भी रिव्यूज़ आए हैं क्रिटिक्स की तरफ से वो सारे के सारे बताए जाएंगे और आप लोगों को और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कुछ फैक्ट्स हैं कुछ स्टोरी लाइन है जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ इस मूवी के बारे में डी कॉलोनी टू के बारे में कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं डिमॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना अपना किरदार जो है वो निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है अगर मैं बात करूँ कौन कौन से एक्टर्स हैं तो अरुल अरुलथी उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर अर्चना रविचंद्रन और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी मीनाक्षी देखने को मिल जाएंगे सरजोना खालिद देखने को मिलेंगे आप लोगों को ऐसे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है अगर मैं बात करूँ कि क्या इस मूवी की आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस तो को, को रिलीज़ नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी को अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई ना ही इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है हाँ इस मूवी को जल्द ही परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इसकी ना ही परसेंटेज स्टार्ट की गई है और ना ही इसे गूगल के यूजर्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है ना ही इसे गूगल जो है आई एम रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है लेकिन इस मूवी की अगर मैं बात करूं कि ये मूवी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी और किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को तमिल जुबान में देखने को मिलेगी पंद्रह अगस्त दो इस मूवी की रिलीज डेट है और इस रिलीज डेट के चलते आप लोगों को यह मूवी जो है वो थिएटर्स के अंदर तमिल ज़ुबान में देखने को मिलेगी हिंदी जुबान में नहीं देखने को मिलेगी ये मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट किया है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा गया है सारी की सारी डायरेक्शन को रखा है यहाँ पर आर अजय गरन मूथू ने जी हाँ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है जिन्होंने इस मूवी के अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है अगर मैं बात करूं कौन कौन सी मूवीज़ हैं तो डी कॉलोनी वन भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड अभी टू भी वही डायरेक्ट कर रहे हैं उसी के साथ साथ माइका नोदीगल उन्होंने डायरेक्ट की है कोबरा जैसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से इन्होंने ये सारी मूवीज़ जो हैं वो डायरेक्ट की हैं अगर मैं बात करूँ टाइम ड्यूरेशन की और जेनर की कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी और इस मूवी का जेनर क्या होगा हम इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या क्या देखने को को एंड एक्सपीरियंस करने मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा यहाँ पर आप लोगों को एक्शन के साथ साथ ड्रामा भी देखने को मिलेगा रोमांस भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये चांस आप लोगों का ये जो मूवी डिज़र्व भी करती है और तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप लोगों को हॉरर कॉमेडी एलिमेंट बहुत ही बखूबी देखने को मिलेगा बाकी ये मूवी तमिल ज़ुबान की है और इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर ही अभी लगाया गया है वेल तो जी अगर आप लोग भी फैमिली इंटरटेनर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं आप लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं इन्जॉय करना पसंद करते हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मूवी देखना एक वन ऑफ़ द बेस्ट वे है और इसके साथ आप लोगों का इंटरटेनमेंट भी अच्छा होता है फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड होता है और अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर फैमिली के इमोशंस भी हो हॉरर एलिमेंट भी हो कॉमेडी भी हो तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए जिस मूवी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एक हॉरर कॉमेडी मूवी डी मोंट कॉलोनी टू के बारे में साल 2024 में रिलीज़ होने वाली अपकमिंग मूवी डि मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जब मैं इसे रिलीज़ जब मैं इसके बारे में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब इसे रिलीज़ नहीं किया गया तो हाँ जब तक मैं इसे अपलोड करूँगा आई थिंक इसके अंदर जो है वो सभी चीज़ें आ चुकी होंगी और मूवी भी रिलीज़ हो चुकी होगी तो आप लोगों को डिटेल्स के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग इस मूवी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी और आप लोगों के जो रिव्यूज़ आए हैं अभी तक जितने भी रिव्यूज़ आए हैं क्रिटिक्स की तरफ से वो सारे के सारे बताए जाएंगे और आप लोगों को और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कुछ फैक्ट्स हैं कुछ स्टोरी लाइन है जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को मैं कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ इस मूवी के बारे में डी कॉलोनी टू के बारे में कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं डिमोन्ट कॉलोनी टू के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना अपना किरदार जो है वो निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है अगर मैं बात करूँ कौन कौन से एक्टर्स हैं तो अरुल अरुलथी उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर अर्चना रविचंद्रन और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी मीनाक्षी देखने को मिल जाएंगे सरजोना खालिद देखने को मिलेंगे आप लोगों को ऐसे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभा कर, आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है अगर मैं बात करूँ कि क्या इस मूवी की आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी को अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई ना ही इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है हाँ इस मूवी को जल्द ही परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इसकी ना ही परसेंटेज स्टार्ट की गई है और ना ही इसे गूगल के यूजर्स की जानब से परसेंटेज uh, मिलना स्टार्ट हुई है ना ही इसे गूगल uh, जो है आई एम डी रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है लेकिन इस मूवी की अगर मैं बात करूं कि ये मूवी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी और किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को तमिल ज़ुबान में देखने को मिलेगी पंद्रह अगस्त दो इस मूवी की रिलीज डेट है और इस रिलीज डेट के चलते आप लोगों को ये मूवी जो है वो थिएटर्स के अंदर तमिल ज़ुबान में देखने को मिलेगी हिंदी जुबान में नहीं देखने को मिलेगी ये मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डाय डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट किया है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा गया है सारी की सारी डायरेक्शन को रखा है यहाँ पर आर अजय गरन मूथू ने जी हाँ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है जिन्होंने इस मूवी के अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है अगर मैं बात करूं कौन कौन सी मूवीज़ हैं तो डी कॉलोनी वन भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड अभी टू भी वही डायरेक्ट कर रहे हैं उसी के साथ साथ माई का नोदिगल उन्होंने डायरेक्ट की है कोबरा जैसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से इन्होंने ये सारी मूवीज़ जो हैं वो डायरेक्ट की हैं अगर मैं बात करूँ टाइम ड्यूरेशन की और जेनर की कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी और इस मूवी का जेनर क्या होगा हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या क्या देखने को को एंड एक्सपीरियंस करने मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा यहाँ पर आप लोगों को एक्शन के साथ साथ ड्रामा भी देखने को मिलेगा रोमांस भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये चांस आप लोगों का ये जो मूवी डिजर्व भी करती है और तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप लोगों को हॉरर कॉमेडी एलिमेंट बहुत ही बखूबी देखने को मिलेगा बाकी ये मूवी तमिल ज़ुबान की है और इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर ही अभी लगाया गया है वेल तो जी अगर आप लोग भी फैमिली इंटरटेनर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं आप लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं इन्जॉय करना पसंद करते हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मूवी देखना एक वन ऑफ़ द बेस्ट वे है और इसके साथ आप लोगों का एंटरटेनमेंट भी अच्छा होता है फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड होता है और अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर फैमिली के इमोशंस भी हो हॉरर एलिमेंट भी हो कॉमेडी भी हो तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए जिस मूवी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एक हॉरर कॉमेडी मूवी डी मोंट कॉलोनी टू के बारे में साल 2024 में रिलीज़ होने वाली अपकमिंग मूवी डि मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जब मैं इसे रिलीज़ जब मैं इसके बारे में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब इसे रिलीज़ नहीं किया गया तो हाँ जब तक मैं इसे अपलोड करूँगा आई थिंक इसके अंदर जो है वो सभी चीज़ें आ चुकी होंगी और मूवी भी रिलीज़ हो चुकी होगी तो आप लोगों को डिटेल्स के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग इस मूवी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी और आप लोगों के जो रिव्यूज़ आए हैं अभी तक जितने भी रिव्यूज़ आए हैं क्रिटिक्स की तरफ से वो सारे के सारे बताए जाएंगे और आप लोगों को और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कुछ फैक्ट्स हैं कुछ स्टोरी लाइन है जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ इस मूवी के बारे में डिमोन्ट कॉलोनी टू के बारे में कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं डिमॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना अपना किरदार जो है वो निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है अगर मैं बात करूँ कौन कौन से एक्टर्स हैं तो अरुल अरुलथी उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर अर्चना रविचंद्रन और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी मीनाक्षी देखने को मिल जाएंगे सरजोना खालिद देखने को मिलेंगे आप लोगों को ऐसे और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर मैं बात करूं कि क्या इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी को अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई ना ही इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूजर्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है हाँ इस मूवी को जल्द ही परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इसकी ना ही परसेंटेज स्टार्ट की गई है और ना ही इसे गूगल के यूजर्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है ना ही इसे गूगल जो है वो आई एम रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है लेकिन इस मूवी की अगर मैं बात करूँ कि ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी और किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को तमिल ज़ुबान में देखने को मिलेगी पंद्रह अगस्त दो इस मूवी की रिलीज डेट है और इस रिलीज डेट के चलते आप लोगों को ये मूवी जो है वो थिएटर्स के अंदर तमिल ज़ुबान में देखने को मिलेगी हिंदी जुबान में नहीं देखने को मिलेगी ये मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट किया है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा गया है सारी की सारी डायरेक्शन को रखा है यहाँ पर आर अजय गरन मूथू ने जी हाँ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है जिन्होंने इस मूवी के अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है अगर मैं बात करूं कौन कौन सी मूवीज़ हैं तो डिमॉन्ट कॉलोनी वन भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड अभी टू भी वही डायरेक्ट कर रहे हैं उसी के साथ साथ माई का नोदिगल उन्होंने डायरेक्ट की है कोबरा जैसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से इन्होंने ये सारी मूवीज़ जो हैं वो डायरेक्ट की हैं अगर मैं बात करूँ टाइम ड्यूरेशन की और जेनर की कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी और इस मूवी का जेनर क्या होगा हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या क्या देखने को को एंड एक्सपीरियंस करने मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा यहां पर आप लोगों को एक्शन के साथ साथ ड्रामा भी देखने को मिलेगा रोमांस भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये चांस आप लोगों का ये जो मूवी डिजर्व भी करती है और तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप लोगों को हॉरर कॉमेडी एलिमेंट बहुत ही बखूबी देखने को मिलेगा बाकी ये मूवी तमिल ज़ुबान की है और इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर ही अभी लगाया गया वेल तो जी अगर आप लोग भी फैमिली इंटरटेनर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं आप लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं इन्जॉय करना पसंद करते हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मूवी देखना एक वन ऑफ़ द बेस्ट वे है और इसके साथ आप लोगों का इंटरटेनमेंट भी अच्छा होता है फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड होता है और अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर फैमिली के इमोशन भी हो हॉरर एलिमेंट भी हो कॉमेडी भी हो तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए जिस मूवी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एक हॉरर कॉमेडी मूवी डी मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में साल 2024 में रिलीज़ होने वाली अपकमिंग मूवी डि मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जब मैं इसे रिलीज़ जब मैं इसके बारे में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब इसे रिलीज़ नहीं किया गया तो हाँ जब तक मैं इसे अपलोड करूँगा आई थिंक इसके अंदर जो है वो सभी चीज़ें आ चुकी होंगी और मूवी भी रिलीज़ हो चुकी होगी तो आप लोगों को डिटेल्स के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग इस मूवी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी और आप लोगों के जो रिव्यूज़ आए हैं अभी तक जितने भी रिव्यूज़ आए हैं क्रिटिक्स की तरफ से वो सारे के सारे बताए जाएंगे और आप लोगों को और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कुछ फैक्ट्स हैं कुछ स्टोरी लाइन है जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ इस मूवी के बारे में डि मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं डिमॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना अपना किरदार जो है वो निभाकर आप लोगों सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है अगर मैं बात करूं कौन कौन से एक्टर्स हैं तो अरुल अरुलथी उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर अर्चना रविचंद्रन और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी मीनाक्षी देखने को मिल जाएंगे सरजना खालिद देखने को मिलेंगे आप लोगों को ऐसे और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर मैं बात करूं कि क्या इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी को अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई ना ही इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है हाँ इस मूवी को जल्द ही परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इसकी ना ही परसेंटेज स्टार्ट की गई है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज uh, मिलना स्टार्ट हुई है ना ही इसे गूगल uh, जो है वो आई एम रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है लेकिन इस मूवी की अगर मैं बात करूँ कि ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी और किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को तमिल जुबान में देखने को मिलेगी पंद्रह अगस्त दो इस मूवी की रिलीज़ डेट है और इस रिलीज़ डेट के चलते आप लोगों को ये मूवी जो है वो थिएटर्स के अंदर तमिल ज़ुबान में देखने को मिलेगी हिंदी जुबान में नहीं देखने को मिलेगी ये मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट किया है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा गया है सारी की सारी डायरेक्शन को रखा है यहाँ पर आर अजय गरन मूथू ने जी हाँ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है जिन्होंने इस मूवी के अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है अगर मैं बात करूं कौन कौन सी मूवीज़ हैं तो डिमॉन्ट कॉलोनी वन भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड अभी टू भी वही डायरेक्ट कर रहे हैं उसी के साथ साथ माई का नोदिगल उन्होंने डायरेक्ट की है कोबरा जैसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से इन्होंने ये सारी मूवीज़ जो हैं वो डायरेक्ट की हैं अगर मैं बात करूँ टाइम ड्यूरेशन की और जेनर की कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी और इस मूवी का जेनर क्या होगा हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा यहां पर आप लोगों को एक्शन के साथ साथ ड्रामा भी देखने को मिलेगा रोमांस भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ <Ez1> साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये चांस आप लोगों का ये जो मूवी डिजर्व भी करती है और तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप लोगों को हॉरर कॉमेडी एलिमेंट बहुत ही बखूबी देखने को मिलेगा बाकी ये मूवी तमिल ज़ुबान की है और इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर ही अभी लगाया गया वेल well, तो जी अगर आप लोग भी फैमिली इंटरटेनर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं आप लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं इन्जॉय करना पसंद करते हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मूवी देखना एक वन ऑफ द बेस्ट वे है और इसके साथ आप लोगों का इंटरटेनमेंट भी अच्छा होता है फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड होता है और अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर फैमिली के इमोशनज भी हो हॉरर एलिमेंट भी हो कॉमेडी भी हो तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए जिस मूवी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एक हॉरर कॉमेडी मूवी डिमोन्ट कॉलोनी टू के बारे में साल 2024 में रिलीज़ होने वाली अपकमिंग मूवी डि मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जब मैं इसे रिलीज़ जब मैं इसके बारे में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब इसे रिलीज़ नहीं किया गया तो हाँ जब तक मैं इसे अपलोड करूँगा आई थिंक इसके अंदर जो है वो सभी चीज़ें आ चुकी होंगी और मूवी भी रिलीज़ हो चुकी होगी तो आप लोगों को डिटेल्स के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग इस मूवी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी और आप लोगों के जो रिव्यूज आए हैं अभी तक जितने भी रिव्यूज़ आए हैं क्रिटिक्स की तरफ से वो सारे के सारे बताए जाएंगे और आप लोगों को और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कुछ फैक्ट्स हैं कुछ स्टोरी लाइन है जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ इस मूवी के बारे में डी कॉलोनी टू के बारे में कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं डिमॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना अपना किरदार जो है वो निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है अगर मैं बात करूँ कौन कौन से एक्टर्स हैं तो अरुल अरुलथी उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर अर्चना रविचंद्रन और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी मीनाक्षी देखने को मिल जाएंगे सरजना खालिद देखने को मिलेंगे आप लोगों को ऐसे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है अगर मैं बात करूँ कि क्या इस मूवी की आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस को रिलीज़ नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी को अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई ना ही इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है हाँ इस मूवी को जल्द ही परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इसकी ना ही परसेंटेज स्टार्ट की गई है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है ना ही इसे गूगल जो है आई एम रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है लेकिन इस मूवी की अगर मैं बात करूं कि ये मूवी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी और किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को तमिल जुबान में देखने को मिलेगी पंद्रह अगस्त दो इस मूवी की रिलीज़ डेट है और इस रिलीज़ डेट के चलते आप लोगों को ये मूवी जो है वो थिएटर्स के अंदर तमिल ज़ुबान में देखने को मिलेगी हिंदी जुबान में नहीं देखने को मिलेगी ये मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट किया है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा गया है सारी की सारी डायरेक्शन को रखा है यहाँ पर आर अजय गरन मूथू ने जी हाँ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है जिन्होंने इस मूवी के अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है अगर मैं बात करूं कौन कौन सी मूवीज़ हैं तो डिमॉन्ट कॉलोनी वन भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड अभी टू भी वही डायरेक्ट कर रहे हैं उसी के साथ साथ माई का नोदिगल उन्होंने डायरेक्ट की है कोबरा जैसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से इन्होंने ये सारी मूवीज़ जो हैं वो डायरेक्ट की हैं अगर मैं बात करूँ टाइम ड्यूरेशन की और जेनर की कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी और इस मूवी का जेनर क्या होगा हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या क्या देखने को क्या? को एंड एक्सपीरियंस करने मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा यहाँ पर आप लोगों को एक्शन के साथ साथ ड्रामा भी देखने को मिलेगा रोमांस भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आपको आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये चांस आप लोगों का ये जो मूवी डिजर्व भी करती है और तकरीबन ढाई घंटे के राउंड मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप लोगों को हॉरर कॉमेडी एलिमेंट बहुत ही बखूबी देखने को मिलेगा बाकी ये मूवी तमिल ज़ुबान की है और इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर ही अभी लगाया गया वेल well, तो जी अगर आप लोग भी फैमिली इंटरटेनर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं आप लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं इन्जॉय करना पसंद करते हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मूवी देखना एक वन ऑफ़ द बेस्ट वे है और इसके साथ आप लोगों का इंटरटेनमेंट भी अच्छा होता है फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड होता है और अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर फैमिली के इमोशनज भी हो हॉरर एलिमेंट भी हो कॉमेडी भी हो तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए जिस मूवी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एक हॉरर कॉमेडी मूवी डी मोंट कॉलोनी टू के बारे में साल 2024 में रिलीज़ होने वाली अपकमिंग मूवी डि मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जब मैं इसे रिलीज़ जब मैं इसके बारे में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब इसे रिलीज़ नहीं किया गया तो हाँ जब तक मैं इसे अपलोड करूँगा आई थिंक इसके अंदर जो है वो सभी चीज़ें आ चुकी होंगी और मूवी भी रिलीज़ चुकी होगी तो आप लोगों को डिटेल्स के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग इस मूवी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी और आप लोगों के जो रिव्यूज़ आए हैं अभी तक जितने भी रिव्यूज़ आए हैं क्रिटिक्स की तरफ से वो सारे के सारे बताए जाएंगे और आप लोगों को और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कुछ फैक्ट्स हैं कुछ स्टोरी लाइन है जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ इस मूवी के बारे में डी कॉलोनी टू के बारे में कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं डिमॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना अपना किरदार जो है वो निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है अगर मैं बात करूँ कौन कौन से एक्टर्स हैं तो अरुल अरुलथी उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर अर्चना रविचंद्रन और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी मीनाक्षी देखने को मिल जाएंगे सरजोना खालिद देखने को मिलेंगे आप लोगों को ऐसे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है अगर मैं बात करूँ कि क्या इस मूवी की आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस को रिलीज़ नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी को अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई ना ही इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूजर्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है हाँ इस मूवी को जल्द ही परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इसकी ना ही परसेंटेज स्टार्ट की गई है और ना ही इसे गूगल के यूजर्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है ना ही इसे गूगल जो है आई एम रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है लेकिन इस मूवी की अगर मैं बात करूं कि ये मूवी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी और किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को तमिल ज़ुबान में देखने को मिलेगी पंद्रह अगस्त दो इस मूवी की रिलीज़ डेट है और इस रिलीज़ डेट के चलते आप लोगों को ये मूवी जो है वो थिएटर्स के अंदर तमिल ज़ुबान में देखने को मिलेगी हिंदी जुबान में नहीं देखने को मिलेगी ये मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरे डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट किया है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा गया है सारी की सारी डायरेक्शन को रखा है यहाँ पर आर अजय गरन मूथू ने जी हाँ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है जिन्होंने इस मूवी के अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है अगर मैं बात करूं कौन कौन सी मूवीज़ हैं तो डी कॉलोनी वन भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड अभी टू भी वही डायरेक्ट कर रहे हैं उसी के साथ साथ माइका नोदीगल उन्होंने डायरेक्ट की है कोबरा जैसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से इन्होंने ये सारी मूवीज़ जो हैं वो डायरेक्ट की हैं अगर मैं बात करूँ टाइम ड्यूरेशन की और जेनर की कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी और इस मूवी का जेनर क्या होगा हम इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या क्या देखने को को एंड एक्सपीरियंस करने मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा यहाँ पर आप लोगों को एक्शन के साथ साथ ड्रामा भी देखने को मिलेगा रोमांस भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये चांस आप लोगों का ये जो मूवी डिज़र्व भी करती है और तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप लोगों को हॉरर कॉमेडी एलिमेंट बहुत ही बखूबी देखने को मिलेगा बाकी ये मूवी तमिल ज़ुबान की है और इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर ही अभी लगाया गया है well, वेल तो जी अगर आप लोग भी फैमिली इंटरटेनर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं आप लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं इन्जॉय करना पसंद करते हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मूवी देखना एक वन ऑफ़ द बेस्ट वे है और और इसके साथ आप लोगों का इंटरटेनमेंट भी अच्छा होता है फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड होता है और अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर फैमिली के इमोशंस भी हो, हॉरर एलिमेंट भी हो कॉमेडी भी हो तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए जिस मूवी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एक हॉरर कॉमेडी मूवी डी मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में साल 2024 में रिलीज़ होने वाली अपकमिंग मूवी डि मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जब मैं इसे रिलीज़ जब मैं इसके बारे में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब इसे रिलीज़ नहीं किया गया तो हाँ जब तक मैं इसे अपलोड करूँगा आई थिंक इसके अंदर जो है वो सभी चीज़ें आ चुकी होंगी और मूवी भी रिलीज़ हो चुकी होगी तो आप लोगों को डिटेल्स के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग इस मूवी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी और आप लोगों के जो रिव्यूज़ आए हैं अभी तक जितने भी रिव्यूज़ आए हैं क्रिटिक्स की तरफ से वो सारे के सारे बताए जाएंगे और आप लोगों को और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कुछ फैक्ट्स हैं कुछ स्टोरी लाइन है जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ इस मूवी के बारे में डिमोन्ट कॉलोनी टू के बारे में कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं डिमोन्ट कॉलोनी टू के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना अपना किरदार जो है वो निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है अगर मैं बात करूँ कौन कौन से एक्टर्स हैं तो अरुल अरुलथी उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर अर्चना रविचंद्रन और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी मीनाक्षी देखने को मिल जाएंगे सरजोना खालिद देखने को मिलेंगे आप लोगों को ऐसे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है अगर मैं बात करूँ कि क्या इस मूवी की आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी को अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई ना ही इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है हाँ इस मूवी को जल्द ही परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इसकी ना ही परसेंटेज स्टार्ट की गई है और ना ही इसे गूगल के यूजर्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है ना ही इसे गूगल जो है आई एम डी रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है लेकिन इस मूवी की अगर मैं बात करूं कि ये मूवी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी और किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को तमिल जुबान में देखने को मिलेगी पंद्रह अगस्त दो इस मूवी की रिलीज डेट है और इस रिलीज डेट के चलते आप लोगों को ये मूवी जो है वो थिएटर्स के अंदर तमिल ज़ुबान में देखने को मिलेगी हिंदी जुबान में नहीं देखने को मिलेगी ये मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट किया है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा गया है सारी की सारी डायरेक्शन को रखा है यहाँ पर आर अजय गरन मूथू ने जी हाँ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है जिन्होंने इस मूवी के अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है अगर मैं बात करूं कौन कौन सी मूवीज़ हैं तो डी कॉलोनी वन भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड अभी टू भी वही डायरेक्ट कर रहे हैं उसी के साथ साथ माई का नोदिगल उन्होंने डायरेक्ट की है कोबरा जैसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से इन्होंने ये सारी मूवीज़ जो हैं वो डायरेक्ट की हैं अगर मैं बात करूँ टाइम ड्यूरेशन की और जेनर की कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी और इस मूवी का जेनर क्या होगा हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा यहाँ पर आप लोगों को एक्शन के साथ साथ ड्रामा भी देखने को मिलेगा रोमांस भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये चांस आप लोगों का ये जो मूवी डिज़र्व भी करती है और तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप लोगों को हॉरर कॉमेडी एलिमेंट बहुत ही बखूबी देखने को मिलेगा बाकी ये मूवी तमिल ज़ुबान की है और इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर ही अभी लगाया गया वेल तो जी अगर आप लोग भी फैमिली इंटरटेनर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं आप लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं इन्जॉय करना पसंद करते हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मूवी देखना एक वन ऑफ़ द बेस्ट वे है और इसके साथ आप लोगों का इंटरटेनमेंट भी अच्छा होता है फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड होता है और अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर फैमिली के इमोशनस भी हो हॉरर एलिमेंट भी हो कॉमेडी भी हो तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए जिस मूवी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एक हॉरर कॉमेडी मूवी डी मोंट कॉलोनी टू के बारे में साल 2024 में रिलीज़ होने वाली अपकमिंग मूवी डि मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जब मैं इसे रिलीज़ क... जब मैं इसके बारे में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब इसे रिलीज़ नहीं किया गया तो हाँ जब तक मैं इसे अपलोड करूँगा आई थिंक इसके अंदर जो है वो सभी चीज़ें आ चुकी होंगी और मूवी भी रिलीज़ हो चुकी होगी तो आप लोगों को डिटेल्स के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग इस मूवी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी और आप लोगों के जो रिव्यूज़ आए हैं अभी तक जितने भी रिव्यूज़ आए हैं क्रिटिक्स की तरफ से वो सारे के सारे बताए जाएंगे और आप लोगों को और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कुछ फैक्ट्स हैं कुछ स्टोरी लाइन है जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को मैं कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ इस मूवी के बारे में डी मॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं डिमॉन्ट कॉलोनी टू के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना अपना किरदार जो है वो निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है अगर मैं बात करूँ कौन कौन से एक्टर्स हैं तो अरुल अरुलथी उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर अर्चना रविचंद्रन और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी मीनाक्षी देखने को मिल जाएंगे सरजोना खालिद देखने को मिलेंगे आप लोगों को ऐसे और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर मैं बात करूं कि क्या इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी तो को रिलीज़ नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी को अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई ना ही इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूजर्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है हाँ इस मूवी को जल्द ही परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इसकी ना ही परसेंटेज स्टार्ट की गई है और ना ही इसे गूगल के यूजर्स की जानब से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है ना ही इसे गूगल जो है वो आई एम रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है लेकिन इस मूवी की अगर मैं बात करूँ कि ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी और किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को तमिल ज़ुबान में देखने को मिलेगी पंद्रह अगस्त दो इस मूवी की रिलीज डेट है और इस रिलीज डेट के चलते आप लोगों को ये मूवी जो है वो थिएटर्स के अंदर तमिल ज़ुबान में देखने को मिलेगी हिंदी जुबान में नहीं देखने को मिलेगी ये मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट किया है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा गया है सारी की सारी डायरेक्शन को रखा है यहाँ पर आर अजय गरन मूथू ने जी हाँ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को हैंडल करके दिखाया है जिन्होंने इस मूवी के अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है अगर मैं बात करूं कौन कौन सी मूवीज़ हैं तो डिमॉन्ट कॉलोनी वन भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड अभी टू भी वही डायरेक्ट कर रहे हैं उसी के साथ साथ माई का नोदिगल उन्होंने डायरेक्ट की है कोबरा जैसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से इन्होंने ये सारी मूवीज़ जो हैं वो डायरेक्ट की हैं अगर मैं बात करूँ टाइम ड्यूरेशन की और जेनर की कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी और इस मूवी का जेनर क्या होगा हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को एंड क्या, एं क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा यहां पर आप लोगों को एक्शन के साथ साथ ड्रामा भी देखने को मिलेगा रोमांस भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये चांस आप लोगों का ये जो मूवी डिजर्व भी करती है और तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट और इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप लोगों को हॉरर कॉमेडी एलिमेंट बहुत ही बखूबी देखने को मिलेगा बाकी ये मूवी तमिल ज़ुबान की है और इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर ही अभी लगाया गया